पेंशनर्स ने कहा, निजी स्कूलों के शिक्षकों की कौन परवाह करेगा जिन्होंने मामूली वेतन पर काम किया और दूसरों के बीच न्यायाधीश बनाए। पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर देश भर में आवाज उठ रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से ताजा मामला सामने आया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पेंशन पर ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसको लेकर अब काफी उम्मीद बढ़ गई है। पेंशन भोगी गौतम चक्रवर्ती ने कहा, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने जिला न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन की मामूली राशि पर गंभीर चिंता व्यक्त की। जो उच्च न्यायालय की बेंच में पदोन्नत होकर सेवानिवृत्त हुए उनकी पेंशन 6,000 रुपए से 25,000 रुपए के बीच है। पेंशनर्स ने कहा, निजी स्कूलों के शिक्षकों की कौन परवाह करेगा जिन्होंने मामूली वेतन पर काम किया और दूसरों के बीच न्यायाधीश बनाए और अपने जीवन के अंत में उन्हें 1,000 रुपए की मामूली ईपीएस 95 पेंशन दी गई। वास्तव में हमारे सभी भाइयों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने समाज और राष्ट्र के लिए बहुमूल्य सेवा की है। सीजीआई सर, क्या आप कृपया हमारा मामला भी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम केवल 7,500 रुपए प्लस डीए प्लस चिकित्सा देखभाल की मांग करते हैं। क्या हम शिक्षक अपने जीवन के अंत में आपसे इस गुरु दक्षिणा की उम्मीद कर सकते हैं? बता दें कि ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए है जिसको 7,500 रुपए करने की मांग की जा रही है। इस आवाज को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, प्रधानमंत्री नरेंद्र, श्रम मंत्री मनसुख मांडविया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक आवाज उठ चुकी है।